हेलो गाइस, सो आज हम सीखने जा रहे हैं सी, लुक और वॉच के बीच का डिफरेंस। तीनों का तो मतलब होता है देखना, बट तीनों को यूज हम कब करें। तो मैं आपको से बोलना चाह रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, ओके? आपको बहुत कुछ पता चलेगा इसमें। तो चलिए हम अब देखते हैं तीनों का डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सी। सी का तो मतलब होता है देखना, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सी के साथ कभी बिफोर नहीं लगेगा। आई एम सीइंग यू, आई वाज सीइंग यू, ये सब कभी मत बोलिएगा, ठीक है? सो एग्जांपल, इसका सी का मतलब होता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था देखने का, बट मेरी नजर पड़ गई उस पर, ठीक है? मतलब कि मैं कहीं जा रहा था, कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उस पर देखूं, बट अचानक से नजर पड़ गई। अचानक से कभी नजर पड़ जाती है ना, तो तभी हम सी को लगाएंगे, ठीक है? याद रखिए, अचानक से हमारी नजर पड़ गई उस चीज पर, तभी हम सी को यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, When I was going to market, I saw a child was crying. मतलब कि मैं जब कल मार्केट जा रहा था तो मैंने एक बच्चे को देखा जो कि वो रो रहा था। अब क्या मार्केट में बच्चे के लिए गया देखने के लिए? नहीं, मार्केट में गया कुछ सामान खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, बट अचानक मेरी जो नजर है वो बच्चे पे पड़ गई जो कि रो रहा था। तो क्या है, अचानक किसी पे नजर पड़ जाना, तो उसी का हम यूज सी का तब यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लास्ट नाइट व्हेन आई वाज गोइंग होम, होम और होम के साथ कभी टू नहीं लगा, जैसे मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम, नॉट आई एम गोइंग होम, याद रखिएगा, ठीक है? लास्ट नाइट व्हेन आई वाज गोइंग होम आई सॉ एन एक्सीडेंट, मतलब कि कल रात जब मैं अपने घर जा रहा था तो मैंने क्या है, एक एक्सीडेंट देखा। मतलब मैं तो जा रहा था घर, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बट रास्ते में मैं क्या देखा, एक एक्सीडेंट पर मेरी नजर पड़ गई, तो इसलिए हम सी का यूज किए। यस गाइस, सी का तो हमने एक यूज देख लिया। अगर मेरा इंटेंशन नहीं है, मेरा नजर अचानक पड़ा है किसी चीज पर, तब हम सी का वहां यूज करते हैं। मैं आपको एक दो और यूज बताता हूं सी का, जहां आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने उसे लिखा नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए, उसको आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझिएगा, ठीक है? बहुत काम आएगा आपको। देखिए, सी का हम और जगह भी यूज करते हैं, जैसे कि अगर कोई चीज मूवमेंट में नहीं है, मोशन में नहीं है, वो चीज फिक्स्ड है, जस्ट लाइक ताजमहल, इंडिया गेट, सिडनी ओपेरा, जंतर मंतर, मतलब ऐसी चीज जो हिल नहीं रही है और उसको हम देख रहे हैं, तो सी का यूज करेंगे। जस्ट लाइक आई हैव सीन द ताज, आई सॉ द इंडिया गेट, आई विल सी जंतर मंतर। तो मतलब क्या, ये चीज फिक्स है, हिल नहीं रही है अपनी जगह से, तब हम वहां पर सी का यूज करते हैं। एक यूज में आपको और बताता हूं सी का, जस्ट लाइक किसी को थ्रेट देने के लिए, थ्रेट का मतलब धमकी देने के लिए हम सी को तब भी यूज करते हैं। अगर मेरे किसी से लड़ाई हो गई तो मैं बोलता नहीं हूं आई विल सी यू, मतलब कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तो सी वहां पर भी हम यूज करते हैं। अब आते हैं लुक पे, नेक्स्ट पे। लुक कब यूज करते हैं? लुक का यूज करते हैं जब हमारा इंटेंशन हो, इंटेंशन से हम किसी चीज को देख रहे हैं कि उसको मेरे को देखना है, तब हम लुक को यूज करते हैं। Like, why are you looking at me? मतलब कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो? उसका कोई इंटेंशन है तभी वो मुझे देख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लुक यूज किए। कोई इंटेंशन से हम कभी किसी को देखते हैं तब हम लुक का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लुक एट द वॉच, यू आर लेट। सपोज आप क्लास में लेट आए, टीचर बोलते हैं ना कि लुक एट द वॉच यू आर लेट, मतलब कि क्या आपको घड़ी दिखा रहे टीचर की, घड़ी को देखो तुम लेट हो। तो एक तो इंटेंशन से हम देखते हैं और एक किसी और को दिखाते भी हैं। लुक एट द ईयर, लुक एट द सनसेट, लुक एट मी, मतलब कि मेरे को देखो, मतलब किसी को हम बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि मेरे को देखो। तो वही आप एग्जाम्पल में क्या लिखा है, लुक एट द वॉच यू आर लेट, घड़ी को देखो तुम लेट हो। तो यहां से उसका भी हम यूज करते हैं लुक का, ठीक है? अब नीचे नेक्स्ट बढ़ते हैं, वॉच का कब यूज करते हैं? वॉच को हम यूज कब करते हैं, जब कोई चीज मूव हो रही है, जब कोई चीज में मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं मूवमेंट है, और कोई चीज मोशन में है, उस पर गति कुछ हो रही है, तो अब हम उसका यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूं। तो क्या है, मूवी में
मूवमेंट होते रहती है ना, कि मोशन में रहता है कि नहीं, दो आदमी वो चल रहे हैं, कोई कार है वो जा रही है, तो क्या है? उसमें गति है, वो मोशन में है उस मूवी के अंदर, इसलिए हमने वॉच का यूज किया। मोशन में हो, मूवमेंट में हो, मूव कर रही कोई चीज, तब हम वॉच का यूज करते हैं। टीचर इज वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर है जो शिक्षक है वो स्टूडेंट का बिहेवियर पर नजर रख रहे हैं, मतलब बच्चे कुछ आदि कर रहे, कुछ कर रहे हैं, उसमें मूवमेंट है, इसलिए हमने क्या यहाँ पे लगाया, वॉचिंग, वॉच लगाया। अब लाइक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्या लगाएंगे, आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग द वीडियो फहीम सर, आई एम लुकिंग द वीडियो फहीम सर, नहीं, आई एम वॉचिंग द वीडियो ऑफ फहीम सर, आई एम वॉचिंग द वीडियो ऑफ फहीम सर, मतलब कि क्या, मैं जो पढ़ा रहा हूं तो उसमें मूवमेंट हो रहा है, मैं हिल रहा हूं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, वॉच लगा रहे हैं। तो ये गाइस था सी, लुक और वॉच के बीच का डिफरेंस, इसको आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।